अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मैंगो की खीर। उसके लिए ये मेरे पास तकरीबन इस साइज़ के 4 मैंगो हैं और ये चावल हैं, ये वाला 1 कप, ये चावल ये मैंने 2 घंटे पहले भिगोए थे, अब मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया। और ये मेरे पास चीनी है और ये 1 किलो दूध है, इसको उबाला आ गया। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी, ये ग्राइंड किए हुए। यहाँ आपने ऐसे मुसलसल हिलाते रहना ताकि चावलों के अंदर गुठलियाँ ना बन दे। इसे मैं दरमियानी आंच पे तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगी। दो छोटी इलायची, आप चाहें तो इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन इसे 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। इसकी फ्लेम आप बिल्कुल लो है, दूसरी तरफ मैं ये मैंगो ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मैंगो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। चीनी मैं तो या मैं इसके अंदर ये ग्राइंड की हूँ, ये मैंगो डाल दूँ। ये देखिए मैंगो अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो गया। ये मैंने आँच बंद की हुई थी क्योंकि आँच बंद करके ही अंदर मैंगो डालना है। अब मैं इसे नीचे डाल लेती हूँ और डिश आउट कर लेती हूँ। ये खीर मैंने डिश आउट कर ली है। ये मैंने डिश आउट कर ली थी, अब मैंने इस सजावट के लिए ऊपर ये किशमिश और बादाम डाल दिया। आप लोग जब भी मैंगो की खीर बनाएं तो जब मैंगो डालना है इसके अंदर तो चूल्हे से नीचे उतार के डालें, फिर अच्छी खीर अच्छी बन जाएगी। अब मैं इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी और ठंडी होने पर सर्व करूँगी।